नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम रेलवे की तरफ से दो महत्वपूर्ण खबरें आज प्राप्त हुई हैं। पहली तो यह है कि जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में वंदे भारत चलाने हेतु पश्चिम रेलवे के द्वारा रेलवे बोर्ड के पास में प्रपोजल भेजा गया है, वह अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार मुंबई सेंट्रल से शनिवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन दोपहर 2:40 पर वंदे भारत ट्रेन रवाना होगी और जो कि सूरत पहुंचेगी 5:53 पे, जो 3 मिनट का हाल्ट लेकर यहां से रवाना होगी और अहमदाबाद रात को 9:05 पे पहुंच जाएगी। 491 किलोमीटर की दूरी यह गाड़ी 6:25 यानी कि लगभग 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तय करेगी। और वहीं वापसी में यह गाड़ी अहमदाबाद से 7:25 पे रवाना होगी, जो कि सूरत 10:17 पे पहुँच कर मुंबई सेंट्रल 1:30 पे पहुँच जाएगी। करीब 6 घंटे में यह दूरी अपनी तय करेगी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपना सफ़र तय करेगी। फिलहाल में यह प्रपोजल रेलवे बोर्ड के पास में लंबित है। जैसे ही रेक की आपूर्ति होती है तो अलाटमेंट पश्चिम रेलवे को जब भी प्राप्त होगा, उस स्थिति में इस ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। तो यह काफ़ी बड़ी खबर पश्चिम रेलवे की ओर से आ रही है। वहीं अन्य ट्रेनों के बारे में जो खबर है कि 10 अगस्त तक सभी ट्रेनों को जो बंद पड़ी हैं अभी तक कोरोना के बाद से चालू नहीं की गई हैं, उन्हें फिर से शुरू करने संबंधी आदेश रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाला गया था, तो उसी के परिपालन में पश्चिम रेलवे ने अपनी 2 ट्रेनें जो कि रतलाम मंडल से होकर गुजरती हैं और उनको फिर से शुरू करने से संबंधित आदेश जारी किया है। DRM रतलाम के द्वारा थोड़ी देर पहले यह प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार ओखानाथ द्वारा ट्रेन जो कि साप्ताहिक गाड़ी है, वह 10 अगस्त से अगली सूचना तक ओखा से प्रति बुधवार को शुरू हो रही है, जो कि नाथ द्वारा अगले दिन गुरुवार को 6:30 पहुँचेगी। और वापसी में गाड़ी 11 अगस्त गुरुवार को 8:30 रवाना होकर प्रत्येक शुक्रवार को 6:55 पे ओखा पहुंच जाएगी। वहीं इसके अन्य स्टॉपेज द्वारका, खम्बलिया, जामनगर, हापा, राजकोट, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, नाडियाड, आनंद, छायापुरी, दाहोद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़ व मावली स्टेशन है। इस ट्रेन में 2 सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 9 स्लीपर और 4 सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। वहीं एक और महत्वपूर्ण ट्रेन है इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस, कोरोना के बाद से ही बंद पड़ी थी, इसको आगामी 7 अगस्त से चलाया जा रहा है। यह प्रत्येक रविवार को इंदौर से 11:30 चलती है, जो कि सोमवार को 1:55 पर गांधीधाम पहुंचती है और इसको वापसी में 8 अगस्त को गांधीधाम से प्रत्येक सोमवार को 6:15 रवाना, जो कि मंगलवार को 8:55 के आसपास इंदौर पहुँच जाएगी। इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में देवास, उज्जैन, रतलाम, दाहोद, गोधरा, नाडियाड, अहमदाबाद और विरमगाम स्टेशनों पर ठहराव दिया गया। इस ट्रेन में 2 सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 8 स्लीपर और 4 जनरल श्रेणी के कोच रहे। तो कुल मिलाकर ये दोनों ट्रेनें शुरू होने से रतलाम मंडल के यात्री जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि लंबे समय से इन ट्रेनों के शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही थी। वहीं एक और ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे की भुज शालीमार ट्रेन, इसका अभी तक संचालन नहीं हुआ है, जिसका कि रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद जल्दी संचालन किए जाने संबंधित ऑर्डर आ सकता है। जब भी इसकी विज्ञप्ति जारी होती है हम आपको अवगत कराएंगे। आप सभी का धन्यवाद।